बीएसएनएल जल्द ही उपभोक्ताओं के लिए नई सौगात लेकर आ रहा है। बीएसएनएल के जीएम सोलन में बीएसएनएल के जीएम सीवी रमना बाबू ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि निगम जल्द ही उपभोक्ताओं के लिए नई विंग सर्विस को लेकर आ रहा है। इस सेवा के तहत यूजर्स बिना सिम के ही देश भर में अनलिमिटेड कॉल्स कर सकेंगे। इसके लिए यूजर्स को अपने स्मार्टफोन में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा और इस ऐप के जरिए यूजर्स कहीं भी कॉल कर सकेंगे। ये सर्विस भारत की ऐसी पहली सर्विस होगी जो बिना सिम के कार्य करेगी। ऐप बेस्ड इस सर्विस को कोई भी उपभोक्ता 1099 में रजिस्टर करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात उपभोक्ता भारत के किसी भी नेटवर्क पर एक वर्ष तक फ्री कॉलिंग कर सकेगा। बीएसएनएल के जीएम रमना बाबू ने पत्रकार वार्ता में बीएसएनएल की ओर से ग्राहकों को दी जा रही सेवाओं की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के ईपी बॉक्स सर्विस विश्वविद्यालय अस्पतालों तथा अन्य बड़े संस्थाओं में काफी पसंद की जा रही है। बाबू ने कहा कि इस सर्विस की खासियत यह है कि ये किसी भी नेटवर्क पर कार्य करेगा, इसके लिए बीएसएनएल की सिम की आवश्यकता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि विंग सर्विस में उपभोक्ताओं को केवल कॉलिंग की ही सुविधा मिलेगी, इसके लिए डाटा किसी भी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। हिमाचल में टेलीकॉम रिलेटेड पेनेट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये सोच के हम एक नया सर्विस बीएसएनएल लॉन्च करने वाला है वेरी रिसेंटली इसी महीने में। उसका नाम है जी विंग्स। विंग्स मतलब पंखे, फ्रीडम। ये फ्रीडम ऐसा है कि ये एक वीओआईपी ऐप बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको आपने अपना मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप और पीडीएफ किसी में भी आप लोड कर सकता है। इसका ये जरूरी नहीं है कि ये बीएसएनएल का सिम का ऊपर ही चलेगा, ये सिमलेस वर्किंग चलता है उसमें। वो ऐप आप डाउनलोड करने के बाद उससे अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकता है कोई भी नेटवर्क में, कोई प्राइवेट नेटवर्क हो, लैंडलाइन हो, कोई एफटीटीएच नंबर पर किसी में कॉल कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है कोई नेटवर्क से। उसके लिए वन टाइम चार्जेस है 1099। अगर 1099 पे करने के बाद कोई भी नेटवर्क में कॉल कर दीजिए और रिसीव भी कर लीजिएगा। ये सिर्फ डोमेस्टिक नेटवर्क के लिए, इंटरनेशनल के लिए थोड़ा अलग से चार्जेस लगेंगे। मैंने जैसा पहले बताया था ये गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकता है और iOS जैसे एप्पल फोन से भी डाउनलोड कर सकता है और विंडोज में भी डाउनलोड कर सकता है।